खबर छत्तीसगढ़ के बेमेतरा से है, जहां एक स्कूल के संस्थापक पर युवक के साथ अमानवीय व्यवहार करने का आरोप लगा है। युवक प्रमोद का कहना है कि सीबीएसई ना होने के बावजूद विद्यार्थियों से सीबीएसई के नाम पर फीस वसूली जाती है। इसके साथ ही स्कूल के संस्थापक ने बच्चों को बिना कारण स्कूल से बर्खास्त करने की बात कही। युवक आमरण अनशन पर बैठकर न्याय के लिए जिला प्रशासन से लगातार कई दिनों से गुहार लगाता रहा है, लेकिन अब तक कोई भी समाधान नहीं हुआ। बेमेतरा से योगेश सिंह की रिपोर्ट। मैं मेरे बच्चों को स्कूल से प्रेरणा विद्यालय कठे से भगाया गया है। 2 साल से प्रशासन से निवेदन कर रहा हूँ निष्पक्ष जांच होने की, लेकिन प्रशासन एक तरफा जांच करके स्कूल के दबाव में पूर्णतः जांच नहीं करता है, वो उसके हिसाब से जांच करता है। इसलिए मैं आमरण अनशन में बैठा था। मैं किसान भी हूँ, खेती बाड़ी जो मेरा नुकसान हो रहा था, 5-6 साल से खेती बाड़ी चल रहा था, उसमें 50 लाख का नुकसान हुआ, फिर भी मैंने नहीं बोला। लेकिन एक दिन ट्रांसफार्मर को बनाने के लिए गए तो वहाँ विवाद हो गया, बिजली मिस्त्री को लेकर गए थे, उसका एक शाखा है जहाँ हॉस्टल है उसका, वहीं पर हम लोग किसानी करते हैं, उसका ट्रांसफार्मर है, तो वो लोग हमें घुसने नहीं दे रहे थे। उसको वीडियो है, सब चीज़ है, लेकिन वो लोग मेरे ऊपर गंदे गंदे आरोप लगा रहे हैं बार बार। प्रमोद साहू के बच्चे प्रेरणा विद्यालय कठिया राखा में पढ़ते थे और उनकी शिकायत थी कि बच्चों को विद्यालय वालों ने निकाल दिया है। इस संबंध में हमने विकास खंड शिक्षा अधिकारी और 2 प्राचार्यों की एक समिति बनाई थी, जांच समिति, और जांच समिति ने जांच करके अपना रिपोर्ट दिया, उसको हमने अगले कलेक्टर महोदय के पास प्रतिवेदन भेज दिया है।